हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पढ़ाई मेड इजी। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ चैप्टर स्टार्ट दी चैप्टर काठमांडू फ्रॉम बीहाइव ऑफ क्लास 9। सो बेसिकली ये काठमांडू जो चैप्टर है वो एक ट्रैवलॉग है जो कि विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है। विक्रम सेठ एक इंडिया के बहुत ही रिनोन्ड ऑथर हैं और जो है उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं जो कि क्या नाम है उनके ट्रैवल एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड हैं। ये जो बुक है काठमांडू वो उनकी हेवन लेक नाम की बुक से जो लिया गया है जिसमें उन्होंने अपनी जर्नी को डिस्क्राइब किया है चाइना से इंडिया तक, इंडिया हाँ चाइना टू इंडिया और वाया तिब्बत एंड नेपाल, मतलब जो है तिब्बत और नेपाल से होते हुए। हैव यू हर्ड ऑफ प्लेसेज लाइक अजमेर शरीफ, मदुरई, सांची, वाराणसी, सारनाथ एंड हालाबीट? क्या आपने ऐसी जगहों के नाम सुना है? तो ये सब ने डेफिनेटली सुना होगा, अजमेर शरीफ सुना होगा, मदुरई तो सुना ही होगा, सांची जो है भोपाल में, वाराणसी के बारे में सुना होगा, सारनाथ के बारे में सुना। हालाबीट जो है एक्चुअली कर्नाटका में है, एक जो है हुसैनपुर नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है उसमें है। कैन यू नेम सम अदर प्लेसेस लाइक दिस? तो क्या आप और कुछ नेम जगहों के नाम बता सकते? डेफिनेटली बहुत सारे ऐसी जगह हैं जो कि क्या है देखने के लायक है। व्हाट डू दी सराउंडिंग्स ऑफ होली प्लेसेस प्लेस इन योर सिटी लुक लाइक? क्या आपके जो आसपास है वो जो होली प्लेस है वहाँ की सराउंडिंग कैसी दिखती है? थिंक अबाउट इट एज यू रीड विक्रम सेठ डिस्क्रिप्शन ऑफ काठमांडू। जब आप काठमांडू को पढ़ रहे हैं तो होली प्लेसेस का डिस्क्रिप्शन कैसा है वो देखो, इमेजिन करके देखो कि कैसा लग रहा है। कुछ वैसा ही आपको दिखेगा जो है विक्रम सेठ की लिखी हुई स्टोरी काठमांडू में भी। चलिए आगे देखते हैं। आई गेट अ चीप रूम इन द सेंटर ऑफ टाउन एंड स्लीप फॉर आवर्स द नेक्स्ट मॉर्निंग विद मिस्टर सासन एंड निफ्यू। आई विजिट टू टेम्पल्स इन काठमांडू दैट आर मोस्ट सैक्रेड टू हिंदूज एंड बुद्धिस्ट। तो जो है कहते हैं कि मैंने एक जो सस्ता सा रूम लिया और फिर उसके बाद जो है मैं कई घंटों तक सोया क्योंकि नींद बहुत ज़रूरी होती सबके लिए, विद मिस्टर सासन एंड निफ्यू, उनके मिस्टर शाह और उनके बेटे के साथ और उनके निफ्यू के साथ। मैंने जो है काठमांडू के जो दो सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट जो है जो टेम्पल्स हैं उनको हम लोग देखने गए और जो कि बहुत ही सैक्रेट भी माने जाते हैं हिंदूज़ के और बुद्धिस्ट के। मतलब एक एक टेम्पल किसका था? हिंदूज़ का था और दूसरा किसका था? बौद्धिस्ट का था। तो दोनों को देखने गए, बहुत ही सैक्रेट मतलब पवित्र माने जाते हैं। एट पशुपतिनाथ आउटसाइड विच अ साइन प्रोक्लेम्स एंट्रेंस फॉर हिंदूज ओनली। जब आप पशुपतिनाथ पहुँचते हैं, पशुपतिनाथ एक जो है शिव जी का मंदिर है और बहुत ही फेमस मंदिर है नेपाल का, जो है पूरी दुनिया से लोग घूमने जाते हैं वहाँ पर। आउटसाइड विच साइन प्रोक्लेम्स, जिसके इस बाहर एक जो है साइन लगा हुआ था, एंट्रेंस फॉर हिंदूज ओनली, खाली हिंदू ही इसमें टेम्पल में अंदर एंटर कर सकते हैं। देर इज़ एन एटमोसफियर ऑफ फिब्राइल कन्फ्यूज़न। और जो है वहाँ पे अगर आसपास देखा जाए तो एक बढ़िया सा एक हरीड कन्फ्यूज़न टाइप का है, मतलब हर आदमी एकदम जल्दी में है, कौन किधर जा रहा है किसको पता नहीं है, पर हर आदमी क्या है वहाँ पे जल्द, फेब्राइल कन्फ्यूज़न मतलब हरीड कन्फ्यूज़न। प्रीस्ट, हॉकर्स, डिवोटीज, टूरिस्ट, काउज, मकीज, पीजन्स एंड डॉग्स रूम थ्रू द ग्राउंड्स। मतलब वहाँ पर हर कोई ऐसा जो है कन्फ्यूज़न में ही दिख रहा है, चाहे वो प्रीस्ट हो चाहे हॉकर हो। डिवोटी, हॉकर मतलब जो सड़क के किनारे जो दुकान लगाने वाले लोग होते हैं हॉकर, डिवोटीज यानी जो श्रद्धालु हैं, टूरिस्ट यानी जो यात्री हैं, काउज, मंकीज, पिजन्स एंड डॉग्स रोम थ्रू द ग्राउंड्स। वी ऑफर अ फ्यू फ्लावर्स, हम लोग थोड़ा सा जो है कुछ फूल जो है वहाँ पे ऑफर करते हैं ईश्वर को। देर आर सो मैनी वर्शिपर्स दैट सम पीपल ट्राइंग टू गेट द प्रीस्ट अटेंशन आर एल्बोड असाइड बाई अदर्स पुशिंग देयर वे टू द फ्रंट। और जब वहाँ पे मंदिर के अंदर जब लोग पहुँचते हैं तो इतने सारे जो श्रद्धालु हैं, वर्शिपर मतलब श्रद्धालु, जो कि क्या है जब कुछ लोग जो है जो प्रीस्ट का अटेंशन खींचते खींचते क्या होता है तब तक दूसरा जो उसको धक्का मार के किनारे कर दे चलो, है ना। और इस तरीके से मतलब दर्शन करने के लिए इतनी जो है भीड़ भड़क्का और इतना जो है धक्कम धक्की वहाँ पे, पूछो मत। अ प्रिंसेस ऑफ द नेपालीज रॉयल हाउस अपियर्स, एवरी वन बोज एंड मेक्स वे। और तभी वहाँ पे जो है एक नेपाल घराने की एक जो है प्रिंसिपल वहाँ प्रिंसेस आती हैं, हर कोई जो है झुकता है उनके लिए और उनके लिए रास्ता दे देता है। बाय द मेन गेट अ पार्टी ऑफ सैफ्रन क्लॉड वेस्टर्नर्स स्ट्रगल फॉर। और जो है मेन गेट पे क्या था, एक मतलब वेस्टर्न पीपल की जो है मतलब एक ग्रुप था उनका, वो लोग स्ट्रगल कर रहे थे मंदिर में आने के लिए। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को हिंदू बता रहे थे और लग तो रहे थे वेस्टर्न, तो इस तरीके से उनको अंदर आने नहीं दिया जा रहा था मतलब, और इसीलिए बेचारे जो है परेशान थे वो सब। परमिशन टू एंटर, द पुलिसमैन इज़ नॉट कन्विंस दैट दे आर हिंदूज। क्यों? क्योंकि पुलिसमैन को नहीं लगता है कि वो लोग हिंदू हैं। ओनली हिंदूज आर अलाउड टू एंटर द टेम्पल। क्यों? कारण क्या है? खाली हिंदू ही इस मंदिर में आ सकते हैं। अ फाइट ब्रेक्स आउट बिटवीन टू मंकीज। और तभी क्या होता है, दो बंदरों के बीच में क्या होती है, लड़ाई शुरू हो जाती है। वन चेजेस द अदर, एक दूसरे को जो है दौड़ाना शुरू करता है। हु जंप्स इनटू
अ शिवलिंग, जो कि कहना है वहाँ से जंप करता है शिवलिंग के ऊपर, देन रन्स स्क्रीमिंग अराउंड द टेम्पल्स एंड डाउन टू द रिवर। फिर उसके बाद जो है दोनों दौड़ते हैं एकदम इधर इस मंदिर से उस मंदिर की तरफ, फिर उसके बाद जो है रिवर के पास, दी हॉली बागमती, कौन सी नदी वहाँ पे, बागमती रिवर दैट फ्लोज बिलो, जो कि जो है वहाँ पे नीचे बहती। अ कॉप्स इज बींग क्रिमेटेड ऑन इट्स बैंक्स, एक उसी नदी के किनारे पर जो है एक लाश को भी जो है क्रीमेट किया जा रहा था, जलाया जा रहा था। वाशरवुमेन आर एट देयर वर्क एंड चिल्ड्रेन बेद, वाशरवुमेन अपना काम कर रही थी, कपड़े धुल रही थी, चिल्ड्रेन जो है वहाँ पे नहा रहे थे। फ्रॉम अ बालकनी अ बास्केट ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स ओल्ड ऑफरिंग्स नाउ विल्टेड, तभी जो है क्या दिखा कि एक बालकनी से जो है कुछ पुराने जो है फूल और पत्तियाँ, जो कि कहना है ऑलरेडी भगवान को चढ़ाए जा चुके हैं, उसको किसी ने अपनी खिड़की से नीचे गिरा दिया। इज़ ड्रॉप्ड इन टू द रिवर, नदी में गिरा दिया गया। ऐसा माना जाता है हिंदू वो जो है धर्म में कि जो ऑफरिंग्स आपने गॉड को एक बार चढ़ा दिए हैं, उनको आप कहीं इधर उधर नहीं फेंक सकते हैं, आप उनको नदी में ही फेंकते हैं। तो यही जो है तरीका है जिसकी वजह से क्या है, अगर आपके घर में अपने फूल माला कुछ जो ईश्वर को चढ़ाए, भगवान को चढ़ाएं, तो क्या होगा कि जब उसको फेंकना होगा तो लोग लिख के नदी में फेंक देते हैं। मतलब ये एक बिलीफ है, पर पता नहीं कहाँ तक ये सही कि गलत है, क्योंकि तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, रिवर्स को पोल्यूट कर रहे हैं। अ स्मॉल श्राइन हाफ प्रोट्रूड्स फ्रॉम द स्टोन प्लेटफॉर्म ऑन द रिवर बैंक, और तभी जो है और आगे क्या दिखता है, एक छोटा सा जो है श्राइन, मतलब जो है एक प्लेस ऑफ वर्शिप, वहाँ पे थोड़े सा जो है दिखाई पड़ता है स्टोन प्लेटफॉर्म ऑन द जो एक स्टोन प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑन द रिवर बैंक। व्हेन इट इमर्जेस फुली दी गॉडेस इनसाइड विल स्केप, जब लोग ऐसा मानते हैं कि वो नदी में से जब ये पूरी तरीके से निकल आएगा तो जो यहाँ की गॉडेस हैं उसके अंदर वो क्या हो जाएंगी, यहाँ से भाग जाएंगी। एंड दी एविल पीरियड ऑफ दी कलयुग विल एंड ऑन अर्थ, और जो है धरती पे जो कलयुग का जो पीरियड है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ऐसा लोगों का मानना है कि वो जो पत्थर है जो नदी में थोड़ा सा डूबा, अगर पूरी तरीके से निकल आया तो क्या होगा, धरती पे कलयुग खत्म हो जाएगा। मतलब जो है ऐसी भी बिलीफ होगी कि लोग प्रलय आ जाएगी, सब खत्म हो जाएगा, ऐसा भी कुछ लोग मानते होंगे। एट दी बौद्धनाथ सुबा द बुद्धिस्ट श्राइन ऑफ काठमांडू देर इज इन कंट्रास्ट अ सेंस ऑफ स्टिलनेस, और अगर आप जब यहाँ, तो अभी तक तो हम कहाँ पे थे, पशुपतिनाथ पे थे, जहाँ पे क्योटिक सिचुएशन, पेंडेमोनिक सिचुएशन दिख रही थी, बहुत ही मतलब जो है अफरा तफरी हो हल्ला दिख रहा था। पर जब आप बौद्धनाथ स्तूपा पे पहुँचते हैं तो यहाँ पे एकदम उसका उल्टा होता है, यहाँ पे एकदम स्टिलनेस, सब कुछ शांत होता है, कुछ भी जो है जरा भी आवाज़ नहीं, कोई बातें नहीं कर रहा है, कुछ हल्ला नहीं हो रहा है। इट्स इमेंस वाइट डोम इज़ रिंग्ड बाई अ रोड, और जो है वो जो उसका जो खूब बड़ा सा जो डोम जैसा स्ट्रक्चर है जिसे स्तूपा कहते हैं, उसके चारों तरफ क्या है, सड़क है। स्मॉल शॉप्स स्टैंड ऑन इट्स आउटर एज, और जो उसके बाहर क्या है, छोटी छोटी दुकानें हैं। मेनी ऑफ दीज आर ओन्ड बाई तिब्बतन इमिग्रेंट्स, उनमें से तमाम जो है ऐसे लोगों की दुकानें जो कि तिब्बत से आए हुए लोग हैं। फिल्ट बैग्स, तिब्बतन प्रिंट्स एंड सिल्वर ज्वेलरी कैन बी बॉट हियर, मतलब यहाँ पे जो है तिब्बत की जो है कलाकारी, तिब्बतन पेंटिंग और तिब्बतन ज्वेलरी से जो है ज़रूरी मतलब ऐसी कुछ चीज़ें खरीदी जा सकती हैं। देर आर नो क्राउड्स, यहाँ भीड़ नहीं है। दिस इज़ अ हेवन ऑफ क्वाइटनेस, मतलब अगर एक शब्द में कहें तो ये क्या है, शांति का स्वर्ग है। इन द बिजी स्ट्रीट्स अराउंड, और जो है बाकी के चारों तरफ क्या है, बहुत ही बिजी सड़कें हैं। काठमांडू इज़ विविड, काठमांडू बहुत ही डिफरेंट है, मतलब बहुत ही वेरीड है, बहुत ही विविड है, मतलब उसमें बहुत कुछ जो है दिखता है। मर्सिनरी, रिलीजियस विद स्मॉल श्राइन्स टू फ्लावर एडॉर्न सिटीज़ अलॉन्ग द नैरोएस्ट द बिजीस्ट स्ट्रीट्स विद फ्लूट सेलर्स हॉकर्स ऑफ पोस्ट कार्ड्स शॉप सेलिंग वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स फिल्म रोल्स एंड चॉकलेट, मतलब जो है कुल मिला के आप जब काठमांडू में हैं तो आपको बहुत कुछ दिख सकता है, मतलब इतना कुछ, जैसे कि क्या नाम है, आपको हर तरीके के लोग काठमांडू में दिखेंगे, जैसे मर्सनरी भी दिख जाएंगे, ऐसे लोग जो क्या नाम है ठगी करके पैसा कमाना चाहते हो, मतलब एथिक्स और वैल्यूज़ को किनारे रख के पैसा कमाना चाहते हो, रिलीजियस धार्मिक लोग भी मिलेंगे, विद स्मॉल श्राइन्स छोटे छोटे जो है धर्मस्थल भी मिलेंगे, टू फ्लावर एडॉर्न डाइटीज़ फूल चढ़े हुए जो है भगवान जो है मिलेंगे, ढेर सारे भगवान ऐसे दिखाई देंगे,
नैरोएस्ट एंड बिजीस स्ट्रीट्स, पूरे सड़क के किनारे, पतली पतली सड़क के किनारे और खूब बिजी सड़क के किनारे ये सब चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। विद फ्रूट सेलर्स, आपको वहाँ पे ढेर सारे फ्रूट सेलर्स मिलेंगे, फ्लूट सेलर्स बांसुरी बेचने वाले मिलेंगे, हॉकर्स मिलेंगे ऑफ पोस्ट कार्ड्स, शॉप सेलिंग वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स, बहुत सारी ऐसी दुकानें मिलेंगी जहाँ पर वेस्टर्न कॉस्मेटिक्स बेची जा रही है, फिल्म रोल्स एंड चॉकलेट और कॉपर यूटेंसिल्स एंड नेपाली एंटीक्स, बहुत सारे कॉपर यूटेंसिल्स भी बेचते हुए लोग मिल जाएंगे, नेपाली एंटीक्स भी जो है बेचते हुए लोग मिल जाएंगे, फिल्म सॉन्ग्स ब्लेयर आउट फ्रॉम द रेडियोज़ और रेडियो में जो है आपको फिल्मी गाने जो है सुनाई पड़ सकते हैं, कार हॉर्न साउंड, बाइसाइकिल बेल रिंग्स है ना, गाड़ियों के हॉर्न, साइकिल के रिंग, स्ट्रीक हाउस लो क्वेश्चनिंगली एट मोटरसाइकिल्स और जो है जो छुट्टा गाय हैं वो क्या है बिना किसी सवाल जवाब के जो है मोटरसाइकिल्स के आगे पीछे जो इधर उधर कहीं भी घूम रही हैं, वेंडर्स शाउट आउट देयर वेयर्स, वेंडर्स अपनी जो है चीज़ों को बेचने के लिए चिल्ला रहे होते हैं है ना। आई इंडल्ज अपने बारे में जो बताते हैं कि मैंने तो जो है मतलब इन सारी चीज़ों को देखा, आई इंडल्ज माई सेल्फ माइंडलेसली बाई अ बार ऑफ मार्जिपन, अ कॉर्न ऑन द कॉब रोस्टेड इन अ चारकोल ब्रेजियर ऑन दी पेमेंट, और जो है मैं भी जो है एकदम बिना माइंडलेसली उस बीच में जो है घूम रहा हूँ, मैं भी जो है कुछ भी खरीद रहा हूँ, जैसे मैंने क्या ख़रीदा, बाई अ बार ऑफ मार्जिपन, मैंने एक मार्जिपन का जो है एक जो है बार ख़रीदा, मतलब ये क्या होता है एक स्वीट होता है मेड विद ग्रेटेड आलमंड, आलमंड को जो है ग्रेट करके बनाया जाता है, अ कॉर्न ऑन द कॉब रोस्टेड इन अ चारकोल ब्रेजियर ऑन द पेमेंट, कॉर्न ऑन द कॉब मतलब जो है भुट्टा, सीधे शब्दों में कहें तो भुट्टा, भुट्टा जो है एक जो कि चारकोल के ब्रेजियर पे जो है क्या किया गया हो, ओपन स्टोव पे, ब्रेजियर मतलब ओपन स्टोव, ओपन स्टोव पे क्या किया गया हो, भुना गया हो, रब विद सॉल्ट, उसके ऊपर सॉल्ट जो है रगड़ दिया गया, चिली पाउडर एंड लेमन, मतलब बढ़िया मिक्स जो है जो हमारे यहाँ मिलता है, अ कपल ऑफ लव स्टोरी कॉमिक्स, बहुत सारी लव स्टोरी कॉमिक्स भी दिखाई पड़ रही है, एंड इवन अ रीडर्स डाइजेस्ट, यहाँ पे रीडर्स डाइजेस्ट, रीडर्स डाइजेस्ट एक्चुअली क्या है, एक इंटरनेशनल मैगजीन है, ऑल दिस आई वॉश डाउन विद कोका कोला एंड अ नॉजिएटिंग ऑरेंज ड्रिंक एंड फील मच द बेटर फॉर इट, और फिर जो है इन सारी चीज़ों को जो है मतलब मैं कुछ भी खरीद रहा हूँ अपने आप बारे में कहते हैं कि मैंने कुछ भी खरीदा इन सारी चीज़ों को, फिर मैंने क्या किया इसके बाद एक कोका कोला, एक कोका कोला ड्रिंक खरीदी, फिर एक ऑरेंज ड्रिंक खरीदी, फिर उसके बाद जो है इन सब पीने के बाद अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। आई कंसिडर वॉट रूट आई शुड टेक बैक होम, मैं अपने बारे में सोच रहा था घर जाने के लिए कौन सा रास्ता चुनूँ, इफ़ आई वर propelled by enthusiasm for travel per se, I would go by bus and train to Patna. और अगर मैं अपनी जो है इच्छाओं के हिसाब से कहूँ है ना, जो मुझे लगता है पर से मतलब बाई मतलब उसके हिसाब से propelled मतलब जो कि थोड़ा सा जो है आपके मन को जो है उत्सुक बना रही हो, ईगर बना रही हो, उत्सुकता से जो है आपको करने के लिए मजबूर कर रही हो तो कहता है अगर मैं अपनी इच्छाओं के बारे में सोचूं तो मेरा मन तो करता है कि मैं तो या तो बस से या फिर ट्रेन से पटना जाऊंगा, देन सेल अप दी गंगेज पास्ट बनारस टू इलाहाबाद, फिर उसके बाद जो है पटना से बनारस होते हुए इलाहाबाद जो है निकलेंगे बाई बोट, देन अप दी यमुना पास्ट आगरा टू दिल्ली, फिर उसके बाद जो है वहाँ से निकलेंगे यमुना का रास्ता लेते हुए आगरा से दिल्ली, बट आई एम टू एग्जॉस्टेड, बहुत थके हुए लेकिन, एंड होम सिक, घर जाने का मन भी कर रहा है, टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ अगस्त, आज अगस्त का आखिरी दिन है, गो होम, घर जाते हैं ज़्यादा सही, आई टेल माई सेल्फ, अपने मैं आपसे मैं बोलता हूँ, मूव डायरेक्टली टुवर्ड्स होम, डायरेक्टली घर ही जाना, कुछ नहीं करना, आई एंटर नेपाल एयरलाइंस ऑफिस एंड बाय अ टिकट फॉर टुमारोज फ्लाइट, मैं जो है एक नेपाल एयरलाइन के ऑफिस में घुसता हूँ और कल की जो है एयरलाइन का एक टिकट खरीदता हूँ, आई लुक एट द फ्लूट सेलर स्टैंडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर नियर द होटल, मैं क्या करता हूँ एक फ्लूट सेलर के को देखता हूँ जो कि क्या है वहाँ के होटल के कॉर्नर पे जो चौराहे पे खड़ा था, इन हिज हैंड इज़ अ पोल विद एन अटैचमेंट एट द टॉप फ्रॉम विच 50 और 60 बांसुरीज प्रोट्यूड इन ऑल डायरेक्शंस, उसके हाथ में क्या है एक बड़ा सा जो है पोल है, उस पोल पे बहुत सारे ऊपर से क्या है लगभग 50 या 60 जो है बांसुरी जो है कोची हुई है ना, सारे डायरेक्शन में जो है निकली हुई है, लाइक द क्विल्स ऑफ पर्क्यूपाइन, जैसे जो है पर्क्यूपाइन के कांटे, दे आर ऑफ बैम्बू, वो सारी के सारी बैम्बू की बनी हुई हैं, दे आर क्रॉस फ्लूट्स एंड रिकॉर्डर्स, उनमें जो है कुछ क्रॉस फ्लूट्स भी हैं कुछ रिकॉर्डर्स भी हैं, फ्रॉम टाइम टू टाइम ही स्टैंड्स द पोल ऑन द ग्राउंड, बीच बीच में कभी कभी जो है वहीं पे पोल को रख के जो है खड़ा हो जाता है, सेलेक्ट्स अ फ्लूट, उनमें से एक बांसुरी उठाता है एंड प्लेस फॉर अ फ्यू मिनट्स, और थोड़ी देर तक बजाता है ना कोई बढ़िया सा जो है 90s का बढ़िया सा गाना
है ना, परदेसी परदेसी जाना नहीं, ऐसा कुछ है, दैट इज़ देयर फेवरेट. द साउंड राइजेज क्लियरली अबव द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक एंड द हॉकर्स क्राइज. और जो उसकी आवाज़ होती है वो क्या होती है, ट्रैफिक की आवाज़ से और हॉकर्स की आवाज़ से भी थोड़ा ऊपर उठ जाती है. ही प्ले स्लोली, फिर धीरे से बजाता है, मेडिटेटिवली एकदम जो है उसमें खो जाता है, विदाउट एक्सेसिव डिस्प्ले, बिना कुछ बहुत ज़्यादा दिखाए हुए. ही डज नॉट शाउट आउट हिज वेयर्स, वो अपने जो है सामान के बारे में चिल्लाता नहीं कि बांसुरी ले लो बांसुरी ले लो. उसका यही जो है तरीका है, बांसुरी बजाना शुरू करेगा और सामने वाले को लगेगा ही कि ना बांसुरी खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, ये जो है उसका बांसुरी बेचने का तरीका है. ऑकेजनली ही मेक्स सेल, कभी कभी एक आधा बांसुरी बिक भी जाती है, बट इन अ क्यूरियसली ऑफेंडेड वेज वे एज इफ दिस वर इंसिडेंटल टू हिज एंटरप्राइज. समटाइम्स ही ब्रेक्स ऑफ प्लेइंग टू टॉक टू द फ्रूट सेलर. लेकिन बीच बीच में क्या करता है, अपनी जो है ऐसा लगता है कि ये हो सकता है उसका तरीका हो अपना जो है बेचने का, वो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में क्या करता है, बांसुरी बजाना बंद करके क्या करता है, फ्रूट सेलर से बातें करना शुरू कर देता है. आई इमेजिन दैट दिस हैड्स बीन अ पैटर्न ऑफ हिज लाइफ फॉर ईयर्स. और मुझे लगता है ये उसकी जो है लाइफ का पैटर्न है, सालों से ऐसा ही चलता रहा, डेली मतलब ऐसे ही खड़ा होता है, ऐसे ही थोड़ी देर बांसुरी बजाता है और ऐसे ही बांसुरी बेचता है, फिर उसके बाद जो है ऐसे ही फ्रूट सेलर से थोड़ी देर बात करता है. आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू टेयर माई सेल्फ अवे फ्रॉम द स्क्वायर. मैं अपने आप को उस चौराहे से अलग ले जा ही नहीं पा रहा था, मतलब इतना अच्छा लग रहा था मुझे. फ्लूट म्यूज़िक ऑलवेज डज दिस टू मी, क्योंकि बांसुरी की जो आवाज़ है वो हमेशा मुझे ऐसा ही करती है, मैं जब भी सुनता हूँ मैं बस स्तब्ध रह जाता हूँ, खड़ा हो जाता हूँ. इट इज़ एट वंस द मोस्ट यूनिवर्सल एंड मोस्ट पर्टिकुलर ऑफ साउंड्स. ये मुझे जो है दुनिया की मतलब सबसे अलग जो है एक आवाज़ सी लगती है. देर इज़ नो कल्चर दैट डज नॉट हैव इट्स फ्लूट, द रीड ने, द रिकॉर्डर, द जैपनीज सकू हाची, द डीप बांसुरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक. मतलब जो है कोई भी जो है दुनिया का म्यूज़िकल कल्चर ऐसा नहीं है जहाँ पे बांसुरी जैसा कुछ ना हो, जैसे रीड ने होता है, द रिकॉर्डर होता है, जैपनीज सकू हाची होता है. मतलब ये सब अलग अलग क्या है, बांसुरी के टाइप में जो कि अलग अलग कल्चर में जो है यूज़ किए जाते हैं. द डीप बांसुरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक, और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक के डीप बांसुरी के बारे में हम सबको पता ही है. द क्लियर ऑफ ब्रीदी फ्लूट्स ऑफ साउथ अमेरिका, और साउथ अमेरिका के फ्लूट्स जो कि क्या नाम है एकदम ब्रीदी होते हैं, मतलब जो है बहुत कस के उनमें सांस लेना पड़ता है, उनके बारे में कौन नहीं जानता है. ये सब क्या है, बांसुरी के जो है तरीके हैं. आगे देखते हैं. दी हाई पिच्ड चाइनीज़ फ्लूट्स, और हाई पिच्ड चाइनीज़ फ्लूट्स भी, ईच हैज़ इट्स स्पेसिफिक फिंगरिंग एंड कंपास. और सबका जो है अपना एक अलग सा तरीका है, फिंगर रखने का अलग तरीका है, अलग सा जो है कंपास है. इट वीव्स इट्स ओन एसोसिएशंस, और जो है उसका एक अपना अलग सा एसोसिएशन है, अलग सा एक जुड़ाव है उसका. येट टू हियर एनी फ्लूट इज, इट सीम्स टू मी टू बी ड्रॉन इन टू दी कॉमनैलिटी ऑफ ऑल मैनकाइंड. पर जब भी मैं बांसुरी सुनता हूँ तो मुझे ऐसा मतलब ऐसा लगता है कि सारी मानवता की जो कॉमन सी चीज़ है मैं उसकी तरफ खिंच जाता हूँ. टू बी मूव्ड बाय म्यूज़िक क्लोजेस्ट इन इट्स फ्रेजेस, और जो कि क्या है कि म्यूज़िक सुन के कोई भी जो है भावों में बह जाता है. एंड सेंटेंसेस टू द ह्यूमन वॉइस, इट्स मोटिव फोर्स टू इज़ लिविंग ब्रीथ, इट टू नीड्स टू पॉज एंड ब्रीथ बिफोर इट कैन गो ऑन. मतलब ये जो है एक्चुअली में सच्चाई ये है, ऐसा लगता है कि बांसुरी क्या है, जीवन का एक रास्ता है, जैसे जीवन को थोड़ा सा सांस लेना पड़ता है फिर उसके बाद फिर जो है चलना होता है, उसी तरीके से बांसुरी में भी थोड़ी सी सांस लेके फिर उसको जो है सांस को छोड़ना शुरू कर देना होता है. देर आई कैन बी सो अफेक्टेड बाई अ फ्यू फेमिलियर फ्रेजेस ऑन द बांसुरी, सरप्राइजेज मी एट फर्स्ट फॉर ऑन द प्रीवियस ओकेजन्स दैट आई हैव रिटर्न्ड होम आफ्टर अ लॉन्ग एब्सेंस अब्रॉड. आई हैव हार्डली नोटिस सच डिटेल्स एंड सर्टनली हैव नॉट इन्वेस्टेड देम विद सिग्निफिकेंस आई नाउ डू. और जो है इतना जो है मुझे बांसुरी की आवाज़ अच्छी लगती है कि मैं उससे जो है बहुत सारी चीज़ों से उसके क्या हूँ प्रभावित हूँ. बांसुरी के ऊपर बहुत सारी बातें जो लिखी गई मैं उनको अक्सर जो है पढ़ता रहता हूँ. फॉर ऑन दी प्रीवियस ओकेजन दैट आई हैव रिटर्न्ड होम आफ्टर अ लॉन्ग एब्सेंस अब्रॉड, और जो है कई बार ऐसा हुआ है कि मैं अपने घर बहुत ही लॉन्ग एब्सेंस के बाद लौटा हूँ. आई हैव हार्डली नोटिस सच डिटेल्स एंड सडनली हैव नॉट इन्वेस्टेड देम विद द सिग्निफिकेंस नाउ आई डू. और पर अब मैं जो है इन सारी चीज़ों को बहुत ही ध्यान से देखता हूँ. सो ये तो थी विक्रम सेठ की कहानी जो है एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हेवन लेक. हेवन लेक से लिया गया एक हिस्सा है, एक्सट्रैक्ट है, जो कि नेपाल के बारे में, काठमांडू के बारे में बताता है. कमिंग अप नेक्स्ट, स्लम्बर्ड इट बाई स्पिरिट सील. सो कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप शेयरिंग. पढ़ाई मेरी सी.